नगर निगम के द्वारा गोलघर में नागरिकों के लिए बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग पर नगर निगम ने वाहनों के पार्किंग पर शुल्क लगाया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग में गोलघर व आसपास के जितनी भी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, जिसको देखते हुए महापौर GDA VC की मौजूदगी में एक बैठक की गई थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मल्टी लेवल पार्किंग में जितने भी चार पहिया गाड़ी खड़ी होंगी उनको मासिक 500 रुपये व प्रतिदिन 25 रुपये शुल्क देना होगा और दो पहिया वाहन प्रतिदिन 10 रुपये व मासिक 300 रुपये जमा करके वाहन को पार्क कर सकेंगे। इसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा रसीद छपाई जा रही है और ये रसीद नगर निगम अपने व्यापारियों को देगा, क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग में अधिकतर वाहन व्यापारियों के कर्मचारियों का होता है, तो उनको मासिक व सालाना का भी लाभ मिलेगा और महानगर को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, मल्टी लेवल पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां गोलघर और आसपास खड़ी हो रही हैं बाहर, तो हम लोगों के व्यापारी साथियों के बीच में माननीय मेयर साहब की मौजूदगी में और VC GDA की मौजूदगी में जो एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में ये तय हुआ था कि जो हमारी चार पहिया गाड़ियां हैं उनमें 500 रुपये और हमारी जो दो पहिया गाड़ियाँ हैं उनमें 300 रुपये के हिसाब से जो है उसको लिया जाएगा, और डेली का जो है चार पहिया वाहन का 25 रुपये और दो पहिया वाहन का 10 रुपये के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इसकी हम लोग सब लोग रसीद छपवा रहे हैं और रसीद छपवा कर हम लोग इसको अपने सभी व्यापारी साथियों को उसको दे देंगे, और उसमें व्यापारी साथी अगर चाहें तो पूरी रसीद का एक बंच ले सकते हैं, जैसे कि वो लोग इस बात को भी करेंगे कि जो उनके पास कस्टमर आता है उसको भी वो जो एक प्रीपेड टाइप का कूपन दे देंगे। हमारी जो एक रसीद पे एक मोहर लगी रहेगी जिसमें प्रीपेड लिखा होगा, उससे उनके जो कस्टमर आएंगे वो अपनी गाड़ी ले जाकर इस पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं, प्लस उनके यहाँ जो ये उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका वो मासिक पास बनवा सकते हैं, तिमाही छमाही और वार्षिक की भी सुविधा प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि जो गोलघर में जितनी भी आजकल आप देख रहे होंगे जो चाहे दो पहिया या चार पहिया वाहन बहुत से खड़े रहते हैं, उसमें ज़्यादातर उस वहाँ पर बने हुए जो शोरूम हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की या उसमें जो उसके ओनर हैं उनकी होती है। तो ये निश्चित रूप से जब एक मासिक पास की सुविधा, मासिक और छमाही वार्षिक की जो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये जो यहाँ पर आप पूरा जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं सब जाकर मल्टी स्टोरी पार्किंग के अंदर खड़ी होने लगेंगी और हमारी ये पूरी सड़क पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगी, और निश्चित रूप से इससे जहाँ सफाई करने में भी सुविधा रहेगी और इसके साथ साथ सफाई के साथ साथ जो है वहाँ पर एक जो अतिक्रमण की वजह से हर समय जाम की स्थिति बनती थी वो नहीं रहेगी, और ख़ास तौर से गोलघर को जो नगर निगम का प्रयास है कि एक स्मार्ट रोड के रूप में हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उसमें इसका इससे बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा।